बहुत शुक्रिया मिन्नत रहमानी साहब, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष और आजकल उत्तर प्रदेश में हमारे अल्पसंख्यक के प्रभारी हैं मिन्नत रहमानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में मंच पे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नदीम जावेद जी, हमारे बीच में भारत सरकार के पूर्व मंत्री जनाब तारिक अनवर साहब, जनाब डॉक्टर शकील अहमद साहब और हमारे बीच में मंच पे डॉक्टर जनाब डॉक्टर शकील खान साहब, तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री मदन मोहन झा जी और सम्मानित मंच, हमारे सामने बैठे हुए अल्पसंख्यक विभाग के हमारे तमाम पदाधिकारी, प्रदेशों के जिलों के अध्यक्ष और हमारी माएं और बहनें। वक्त कम है, 2 मिनट का वक्त दिया है। अहमद भाई ने कहा कि जब वक्त कम हो तो शेरों से काम चला लेना चाहिए। हालांकि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच बैठे हों तो शेर पढ़ने का हक ही खत्म हो जाता है, इसलिए अभी गनीमत है सब मेरा, लबालक भरा नहीं हूं। अभी गनीमत है सब मेरा, लबालक भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है उसे कहो मैं मरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है उसे कहो मैं मरा नहीं हूं, और वो कह रहा है मिटा के रख दूंगा नस तेरी, वो कह रहा है मिटा के रख दूंगा नस तेरी, है आदत उसकी डरा रहा है हसनत मेरी डरा नहीं हूं। मिन्नत भाई को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अल्पसंख्यक का सम्मेलन रखा, उनको उनके पदाधिकारियों को बहुत बधाई। यहां पर बात हुई हिंदुस्तान के संविधान की, महात्मा गांधी की, हम लोग कांग्रेस पार्टी से आते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 125 साल पुराना कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमें कांग्रेस पार्टी के उस इतिहास को उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो शायद हम भूल गए, उन लोगों तक पहुंचाना, हमें महात्मा गांधी के बारे में हिंदुस्तान की आवाज को और हमारे लोगों को बताना चाहिए, और हम महात्मा गांधी की आवाज को बताएंगे तो हमें यह बताना पड़ेगा कि महात्मा गांधी की शहादत अगर किसी के लिए हुई है तो हिंदुस्तान के अकलियतों के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए महात्मा गांधी की शहादत हुई है, हमें यह बताना पड़ेगा, हमें यह बताना पड़ेगा उन लोगों को कि जब जामिया मिलिया में डॉक्टर जाकिर हुसैन पर हमला होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी गाड़ी खुद चलाकर पहुंच जाते हैं, और महात्मा गांधी ये कहते हैं कि हमने ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की थी, हमने ऐसे आजादी की कल्पना नहीं की थी जहां मैं सर उठा के चल सकता हूं, नेहरू सर उठा के चल सकते हैं लेकिन जाकिर हुसैन सर उठा के चल सकते, हमने ऐसे आजादी की कल्पना नहीं की, हमने ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की थी। अगर हम हिंदुस्तान में नेहरू और गांधी मौलाना आजाद को जिंदा करेंगे तो हमें वापस वो पुरानी सेकुलर कांग्रेस पार्टी मिल जाएगी और हमें अपने हक की आवाज इस तरह अपने मंचों पर नहीं उठानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिन्नत रहमानी साहब का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।